नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे लालू यादव के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनसुलझे कहानियों के बारे में। लालू यादव का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान का भाव उभर आता है। लालू यादव अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं। वह हाजिर जवाबी हैं। वे हर प्रश्न का जवाब अपनी बोली में देते हैं। जब कभी भी आप उनको भाषण देते हुए सुनेंगे तो वे अपने भाषण में अंग्रेजी के कुछ शब्द शामिल करते हैं। वे बहुत अच्छी अंग्रेजी तो नहीं बोल पाते, लेकिन जितना बोलते हैं उतने में से इस बात का भान होता है कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान है। संसद भवन हो या फिर सड़कों पर भाषण देना, वे अपने गवई अंदाज से हर किसी को लोटपोट कर देते हैं। लालू यादव के जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जिसे आपने सुनी होगी, या हम कहें कि आप उनके भाषण सुने होंगे। लालू यादव का आम लोगों से मिलना, उनसे बात करना और नेताओं से उन्हें अलग करता है। यही वह कारण है कि जिससे वे आज भी बिहार की राजनीति में इतने सक्रिय हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे लालू यादव के स्कूली जीवन के बारे में। जब उनका दाखिला स्कूल में हुआ और उन्होंने कमीज और जूते के लिए एनसीसी ज्वाइन कर ली थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का बचपन बेहद आर्थिक तंगी में बीता था। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में जन्मे लालू यादव के पिता कुंदन राय ग्वाला थे, यानी कि वो गाय और भैंसों को पाला करते थे। उनके यहाँ दूध और दही का व्यापार करते थे। हालांकि इससे इनकी आमदनी नहीं होती थी कि वे अपने परिवार का भरण पोषण किया जा सके। उस समय पूरा परिवार कच्चे के मकान में रहा करता था। बरसात के दिनों में मकान का छत चुने भी लगता था। सबसे बुरी स्थिति तो ठंड के दिनों में होती थी। लालू यादव का पूरा परिवार पुआल पर ही अपना जीवन बसर करता था। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लिखा है कि बचपन में उनके और उनके भाई बहनों के पास दो जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। वे बहुत मुश्किल से इसी से गुजारा होता था। बाद के दिनों में लालू यादव जब पटना पहुंचे तो यहाँ मिरर हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहीं उन्हें नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के बारे में पता चला। लालू की माने तो एनसीसी के प्रति उनके आकर्षण की बड़ी वजह यह थी कि इसमें कमीज, पतलून और जूता मिलता था। इसके साथ ही कैडेट्स को नाश्ता भी दिया जाता था। इतनी सुविधा के बाद लालू यादव ने तुरंत एनसीसी ज्वाइन कर ली। वे अपनी किताब में लिखते हैं कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मैं इतना उत्साहित था कि पूरे दिन ड्रेस उतारा ही नहीं। कुछ महीने के अंदर ही मुझे सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार भी मिला और कैडेट को कमांड देने की जिम्मेदारी भी मिल गई। आपको बता दें कि लालू यादव ने पटना के जिस मिरर हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, मुख्यमंत्री के बनने के बाद उस स्कूल का नाम बदल दिया था। लालू यादव को यह लगता था कि इस स्कूल का नाम बिहार के किसी सम्मानित व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका नाम बदल कर देवी पद चौधरी के नाम से रख दिया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए थे। लालू यादव की असली राजनीति कॉलेज से शुरू हुई थी। लालू यादव पटना लॉ कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही वेटनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी भी किया करते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इसके बाद जीवन कुछ हद तक संभल गए थे और कुछ पैसे बचने लगे थे। एलएलबी की कक्षाएं शाम को चलती और वे दिन में नौकरी किया करते थे। हालांकि 1973-74 में जब वो अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते तो यह नौकरी छोड़नी पड़ी। छात्र राजनीति में लालू यादव जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए। इसके बाद वे राजनीति में सक्रिय हो गए। छात्र आंदोलन के बाद लालू यादव की पहचान पूरे बिहार में हुई। आपको बता दें कि लालू यादव जब पहली बार संसद बने तो बिल्स के एक सेकेंड हैंड जीप खरीद ली थी और इसी से वे चला करते थे। तो ये थी लालू यादव से जुड़ी हुई एक किस्से एक कहानियां। हम बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही किस्से कहानियों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।